नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हूं आपके साथ डिंपल सुरोही। मेरठ की बात करें तो यहां अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज जिस घटना के बारे में हम बात करेंगे वो हुई है मेरठ के दौराला में। यहां एक व्यक्ति ने अपनी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर डाली। हत्या को अंजाम देकर आरोपी भाई पत्नी के साथ फरार हो गया है। हत्या की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। लहूलुहान महिला को अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस पूछताछ में इस हत्या की वजह भी सामने आ गई है। आइए जानते हैं कि आखिर आरोपी भाई ने क्यों अपनी बहन का कत्ल कर डाला। जिसके साथ भाई खेल कूद कर बड़ा हुआ, जिससे कलाई पर राखी बंधवाई और उसकी रक्षा की कसम खाई, उसी भाई ने चंद रुपयों के लालच में बहन के प्राण ले लिए। दोराला के रुहासा गाँव में एक व्यक्ति ने अपनी बहन की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। ये खबर गांव में फैली तो हड़कंप मच गया। बताया गया कि बेची गई 2 बीघा जमीन के 20 लाख रुपयों को लेकर भाई बहन में सोमवार रात को विवाद हो गया था। मंगलवार को सुबह को भी इसी को लेकर दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। बहन दीवान पर लेटी थी, तभी कमरे में आए भाई ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए। बहन लहूलुहान होकर घायल तड़पती रही। वहीं आरोपी भाई कुल्हाड़ी फेंक कर अपनी पत्नी को लेकर घर से फरार हो गया। हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की सूचना पर मौके पर एसपी सिटी, सीओ दोराला और एसएसपी भी पहुंचे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों में जमीन के रुपयों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रोहासा निवासी 75 वर्षीय किसान महावीर ने रविवार को अपनी 7 बीघा जमीन में से 2 बीघा जमीन 20 लाख रुपए में बेची थी। इसी संबंध में किसान की वेव सिटी गाजियाबाद निवासी 53 साल की बेटी रीता सोमवार को रोहासा आई थी। जमीन के रुपयों को लेकर रीता का छोटे भाई अरविंद उर्फ नीटू से विवाद हो गया था। मंगलवार सुबह विवाद के चलते दोनों भाई बहनों में फिर से कहासुनी हो गई। इसके बाद अरविंद खेत पर चला गया। लगभग 10 बजे अरविंद स्कूटी पर सवार होकर घर पहुंचा और हाथ में जो कुल्हाड़ी थी घर में रखी हुई उसको लेकर कमरे में पहुंचा और दीवान पर लेटी हुई बहन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और इसके बाद वो कुल्हाड़ी को आंगन में फेंक बाहर की तरफ रवाना हो गया। बताया गया वो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया। देखिए, आज थाना दौराला पुलिस को सुबह सूचना मिली कि रोहसा गांव में हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच गए और जो शव था उसको कब्जे में लिया गया और जो पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि अरविंद नाम का भाई है, उसने अपनी बहन रीता जिसकी उम्र करीब 53 साल है उनकी हत्या कर दी है। जो मामले का जो उसका पूरा हत्या का कारण बताया जा रहा है वो 2 बीघा जमीन थी जो इनके फादर महावीर ने 15 तारीख को बेची थी, उसमें 20 लाख रुपए मिले थे। उसके आपसी लेन देन को लेके इनका विवाद चल रहा था। उसी गुस्से में आकर अरविंद ने अपनी बहन को बहन के गले पर कुल्हाड़ी सवार किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम में तो भिजवा दिया गया तथा इसमें पकड़ने के लिए अरविंद को 2 टीमें लगाई गई और इसमें जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा तथा अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। हत्या की सूचना पर उसकी जो मृतिका है उसकी बेटियां और उसका बेटा भी रोहासा पहुंच गए हैं। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतिका के पिता ने बेटे के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए amarujala.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।